बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। लेक्चर नंबर 1, रेशो और प्रोपोर्शन, इस टॉपिक पे हम करेंगे। तो ये जो टॉपिक होगा ये पीपीएस के एग्ज़ाम के लिए भी इंतहाई अहम है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पीपीएस में भी आते हैं, और अगर पीएमए लॉन्ग कोर्स की बात की जाए तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि रेशो क्या होती है। कंपैरिजन ऑफ द टू अलाइक क्वांटिटीज़, दो एक जैसी हमारे पास क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, मेजर्ड इन लाइक यूनिट, और उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम अगर लेंथ ले रहे हैं और ये हाइट ले रहे हैं, या लेंथ ले रहे हैं, इस लेंथ का यूनिट भी मीटर होना चाहिए और इस हाइट का यूनिट भी मीटर होना चाहिए। तो दो एक जैसी क्वांटिटीज़ या मकदारें हमने लेनी है, तो उनके दरमियान जो हम कंपेरिज़न एक डिफ़ाइन करते हैं कि उसको हम रेशो कहते हैं। आगे आ गया प्रोपोर्शन। टू रेशोज आर इक्वल, हमने जनरल बात लिखी है कि टू रेशोज आर इक्वल। फर्ज कर लें हमारे पास दो रेशोज़ हैं। रेशो को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है ए रेशो बी, यहाँ पर जो दो डॉट मैंने यूज़ किए हैं इसको हम रेशो का नाम देंगे। प्रोपोर्शन जो होता है वो दो रेशोज़ के दरमियान जो इक्वलिटीज़ का साइन होता है, इक्वल का साइन होता है, उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। दो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम जनरल फॉर्म में दो रेशोज़ ले लेते हैं, ए डॉट रेशो बी एंड सी रेशो डी। इन दो के दरमियान जो इक्वलिटी का साइन होता है उसको हम प्रोपोर्शन बोल। यहाँ पर जो इक्वलिटी का साइन होगा वो रेशो के लिए टू डॉट्स यूज़ हम करते हैं, प्रोपोर्शन के लिए फोर डॉट। तो इसी को हम इक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी। अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शन। अब है हमारे पास इसको देखना है कि काइंड ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की कितनी इकसाम है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ सच दैट, क्वांटिटेटिव मकदारी ताल्लुक जो होता है उनके दरमियान, दो मकदारों के दरमियान, सच दैट इंक्रीज आर डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, एक मकदार के अंदर इजाफा या उसमें कमी, कैन काज इंक्रीज आर डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, यानी कि जिस लिहाज से एक मकदार के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है उसी लिहाज से दूसरी मकदार में भी इंक्रीमेंट हो, या एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ सकती है या एक के कम होने से दूसरी कम। डायरेक्ट का मतलब यही है कि बराह रास्त होगा, अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, अगर एक ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा होगी। इनडायरेक्ट में ये जो फर्स्ट लाइन है क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप, ये सेम रहेगी, बिटवीन टू क्वान्टिटीज़ ये भी सेम रहेगी, सच दैट इंक्रीज़, सच दैट इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी, एक मकदार के अंदर इजाफा, कैन काज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, तो दूसरी मकदार के अंदर कमी का बायस बनेगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ पोल 17.5 मीटर हाई कास्ट्स अ शैडो ऑफ लेंथ 40.25 मीटर हाई, यानी कि एक खम्बा है हमारे पास जिसकी हाइट है 17.5 मीटर एंड शेडो, और ज़मीन पे जो उसका साया पड़ता है उसकी जो लेंथ है वो 40.25 मीटर है। द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 28.,  हमने पोल की वो हाइट मालूम करनी है कि जिसका शेडो जो ज़मीन पे पड़ता हो उसकी लेंथ 28.75 मीटर हो। हम इसको रेशो के फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक तो हाइट है और एक लेंथ है। हम दोनों के दरमियान पहले रेशो को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शन देखेंगे। तो रेशो हम डिफ़ाइन इस तरह करेंगे कि हम लिखते हैं हाइट, और इधर हम लिख लेते हैं लेंथ। हाइट जो है हमारे पास पोल की वो 17.5 मीटर है, और जो लेंथ है जो ज़मीन पे शैडो पड़ता है उसका, उसकी लेंथ है 40.25 मीटर। इसके बाद है द हाइट ऑफ द पोल, वो हाइट हमने फाइंड आउट करनी है
जिसकी वजह से लेंथ शाडो की लेंथ है 28.75 मीटर नो। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं जो हमारे पास हाइट है वो एक्स है और जो लेंथ है वो 28.75 मीटर है। अगर हम देखें लेंथ ऊपर से नीचे को कम हो रही है तो डेफिनेटली हाइट अगर 78.5 मीटर है तो लेंथ हमारे पास 40.25 मीटर है, तो हाइट भी कम होगी तो लेंथ हमारे पास जो शैडो है उसकी कम होगी, तो हाइट भी इसका जो एरो हम वो भी नीचे को लगाएंगे। तो इस फॉर्म में आ जाना 17.5 रेशो एक्स एंड प्रोपोर्शन 40.25 एंड देन रेशो हमारे पास जो आ जाएगी वो 28.75 मीटर। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं 17.5 ओवर एक्स, ये इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, 40.25 ओवर 28.75। जो रेशो से फर्स्ट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट जो रेशो का, उसको हम फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे और जो सेकंड है उसको हम डिनोमिनेटर में। आगे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 28.75 ये साइड पे आके 17.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और 40.25 नीचे आके तो डिवाइड हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5, क्योंकि ये हाइट है हमारे पास तो 12.5 मीटर होगा। 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 36 आदमी एक काम को 18 दिनों में मुकम्मल करते हैं। हम इधर इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ लिखते जाते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है वो है मैन, 36 हैं, 36 आदमी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इसके बाद है डेज 18, इन हाउ मैनी डेज विल 27 मैन कंप्लीट सेम वर्क। हमें डेज फाइंड आउट करने हैं कि 27 मैन जो है वो कितने दिनों में एक उसी काम को मुकम्मल करेंगे। एक काम है हमारे पास जिसको 36 आदमी 36 आदमी 18 दिन में मुकम्मल करते हैं, और अगर उनमें से 27 रह जाए तो वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आदमी हैं वो 36 हैं और जो डेज हैं वो 18 हैं। अब जो आदमी हैं वो हमारे पास कम हो रहे हैं, तो जो कम हो रहे हैं उसका एरो हम लगाएंगे नीचे से ऊपर की जाना, मतलब कि ये ऊपर को बढ़ रहा है। अब जो डेज़ हैं इनके दरमियान हमने रिलेशन चेक करने हैं, 36 आदमी 18 दिन में काम मुकम्मल करते हैं, और अगर आदमी 27 हो जाएं 27 हो जाएं तो डेफिनेटली डेज़ जो हमारे पास होंगे वो ज़्यादा लगेंगे, तो इसका एरो हमारे पास नीचे को आ जाएगा। अब देखना ये कि एक एरो ऊपर को है एक एरो नीचे को है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, याद आना 27 रेशो 36, फर्स्ट आ जाएगा 18, जिधर एरो की टेल होगी वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, 18 एंड एक्स आ जाएगा, 27 ओवर 36 इज इक्वल टू 18 ओवर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 36। एक्स इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 36 ओवर 27, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास जो आंसर है, हम कटिंग कर लेते हैं, 36 द 18 एंड 39 द 27, 9 4 द 36, तो 6 4 द
हमारे पास x इज इक्वल टू 24 डेज। द प्राइस ऑफ द 15 सूट्स इज रेस, हमारे पास जो 15 सूट हैं उनके जो कीमत है वो 6,750 रुपये है। हाउ मैनी सच सूट कैन बी परचेज, अगर उसी तरह के हम और सूट ख़रीदना चाहें तो हम कितने ख़रीद सकते हैं। बाय एन अमाउंट ऑफ रेस 4,050, 4,050 रुपये में हम कितने और कपड़े ख़रीद सकते हैं। तो हम इधर लिखते हैं द प्राइस ऑफ 15 सूट्स। इधर हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं, एक तो सूट्स हैं और दूसरे हमारे पास उनकी प्राइस है। सूट्स हमारे पास हैं द प्राइस ऑफ द 15 सूट्स, तो फर्स्ट जो वेरिएबल है वो 15 है एंड और उनकी प्राइस है 6,750। हाउ मैनी सच सूट्स, अब हमने कितने और कपड़े ले सकते हैं अगर हमारे पास इतने पैसे हों। तो हम फर्ज कर लेते हैं हम एक्स कपड़े ख़रीद सकते हैं। बाय एन अमाउंट ऑफ जो हमारे पास प्राइस है वो 4,015 है। देखना ये है कि सूट हमारे पास 15 है और प्राइस हमारे पास जो है वो 6,750 रुपये है। अगर इधर देखा जाए तो प्राइस जो है वो बढ़ रही है, हमारे पास जो पैसे हैं वो 6,000 से बल्कि 4,050 रुपये हो चुके हैं। तो डेफ़िनेटली जो सूट होंगे वो भी हम ज़्यादा ख़रीद सकते हैं, तो इसका एरो भी नीचे। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा, क्योंकि जितने पैसे बढ़ेंगे उतने ही हमारे पास कपड़े बढ़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 15:x प्रोपोर्शन 6,750:4,050। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15/x इज इक्वल टू 6,750/4,050। आगे इसको x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 4,015 से आके जो 4,050 है मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके तो डिवाइड हो जाएगा। 6,750 इज इक्वल टू x इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो ये अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मोटरसाइकिल कवर 90 किलोमीटर इन 2 लीटर। हमारे पास एक तो डिस्टेंस है जो है 90 किलोमीटर और जो पेट्रोल उसने खर्च किया बाइक ने या मोटरसाइकिल ने वो है 2 लीटर। इन हाउ मैनी लीटर्स, आगे हमने लीटर फाइंड आउट करने हैं। विल इट कवर द 225 किलोमीटर, ये कितने लीटर में तय करेगी। तो देखें ज़रा, 2 लीटर हमारे पास पेट्रोल था, डिस्टेंस हमने कवर किया 90 किलोमीटर का, डिस्टेंस बढ़ गया तो डेफिनेटली हमारे पास पेट्रोल भी फिर ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, 90:2 के फॉर्म में लिखें 250 इज इक्वल टू 2:x 90/225 इज इक्वल टू 2/x। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 225 दूसरी साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 90 जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 2, ये हमारे पास आ गया है 45, तो 225 को 45 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5, यानी कि हमारे पास जो पेट्रोल है वो 5 लीटर होना चाहिए ताकि हम 225 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन टेक्स 5 आवर, एक ट्रेन के ज़रिए से हम सफ़र पे जा रहे हैं और 5 घंटे लगते हैं एट द स्पीड ऑफ द 45 किलोमीटर, उस सफ़र को कवर करने में जो जितना सफ़र हमने करना है 5 घंटों में हम 45 किलोमीटर/आवर की रफ़्तार से जा रहे हैं। तो टाइम हमारे पास 5 और स्पीड 45 किलोमीटर, अगर आप यूनिट साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। टू कंप्लीट द सेम जर्नी, उतना ही सफ़र करना है इन 3 आवर्स, 3 घंटों के अंदर हमने उतना ही सफ़र करना है, तो स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए। देखें टाइम हमारे पास हो रहा है कम, टाइम जो है हमारे पास हो रहा है कम, तो स्पीड डेफिनेटली फिर हमारे पास बढ़नी चाहिए क्योंकि
5 घंटों में अगर हम 45 किलोमीटर जा रहे हैं तो सफ़र हमारा उतना ही है, टाइम हमारे पास अब कम हो गया तो डेफ़िनेटली पर स्पीड हम बढ़ाएंगे तो उतना ही सफ़र 3 घंटों के अंदर हम मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारे पास जवाब होएगा, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि टाइम के कम होने से हमारी स्पीड ज़्यादा हो रही है। तो इसको हम लिखें 3, मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने लगा हूँ, 3/5 इज़ इक्वल टू 45/x आ जाएगा हमारे। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इस साइड पे आके 45 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाए, 3 15 45 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 75। और हमारे पास जो एक्स आ गया 75, यानी कि अगर हम 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं तो जितना सफ़र हमने 5 घंटों में कवर किया था वो हम 3 घंटों में भी कवर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि PPSC में या PMA लॉन्ग कोर्स में इस तरह के जस्ट उसने इक्वेशन दे देता है, वो चाहे वो रेशो में हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें हमने जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती। तो हम देखते हैं ये आ जाना हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं, 20/50 इज़ इक्वल टू 8/x। आगे आपने इस क्वेश्चन को खुद कर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जितने भी आपने पीछे क्वेश्चन किए हैं उनको देखें, उस मेथड को देखें, तो उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो ये हमारी सारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर।